किया सेल्टोस को 2020 के लिए कुछ मॉडल ईयर अपडेट्स मिल गए हैं। प्राइसिंग में क्या बदलाव आया है और क्या क्रेटा को इन अपडेट्स से डरने की जरूरत है, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात, सेल्टोस की प्राइसिंग बढ़ गई है। HD लाइन पेट्रोल में 10 से 25,000 रुपए, HD लाइन डीजल में 15 से 30,000 रुपए और GT लाइन में 10 से 25,000 रुपए। और तो और, किया ने दो वेरिएंट्स डिसकंटिन्यू भी कर दिए हैं, GT के मैनुअल और GTX DCT। ये दोनों वेरिएंट्स अब अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये कोई फेसलिफ्ट तो है नहीं और BS6 कंप्लायंट तो ये गाड़ी डे वन से थी, तो ये प्राइस इंक्रीज आखिर क्यों? चलिए समझते हैं। 2020 मॉडल ईयर के लिए सेल्टोस को कुछ नए फीचर्स मिल गए हैं और फीचर लिस्ट में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। सारी जानकारी इस टेबल में है, चाहे तो वीडियो अब पॉज कर लीजिए। तो जैसे कि आपने देखा, नए फीचर्स खूब सारे हैं। चलिए अब आपको डिटेल में बताते हैं वेरिएंट बाय वेरिएंट आखिर चेंजेस है क्या। सबसे पहली बात, किया ने इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल वाला फीचर सभी वेरिएंट्स में इंट्रोड्यूस कर दिया है एज स्टैंडर्ड, और अब फ्रंट और रियर USB चार्जर आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेगा। पहले एंट्री लेवल HTE वेरिएंट में कोई चार्जिंग ऑप्शन नहीं था, HTE के वेरिएंट ऑनवर्ड सिर्फ फ्रंट चार्जर अवेलेबल था। दैट्स नॉट द केस एनीमोर, फ्रंट एंड रियर USB चार्जर अब स्टैंडर्ड फीचर हो गया है। अच्छी बात यह है कि बेस वेरिएंट की प्राइसिंग किया ने बिल्कुल सेम रखी है और HTE के अब 15 से 20,000 रुपये महंगी है। जो HTE के प्लस वेरिएंट है वो किया के लिए एक बेस्ट सेलर रही है। उस वेरिएंट को और प्रीमियम अपील देने के लिए किया कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स ऑफर कर रहा है। रियर बम्पर पर क्रोम फिनिश का इस्तेमाल किया गया है और डैशबोर्ड पर अब आप एक ग्लॉस पैनल देखेंगे जो इंटीरियर को थोड़ा और अप मार्केट लुक दे देता है। अगर आपको सेल्टोस ऑटोमेटिक चाहिए तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि उसमें अब रिमोट इंजन स्टार्ट की सुविधा दी गई है। जी हाँ, सभी सेल्टोस ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में ये फीचर एज स्टैंडर्ड अवेलेबल होगा। बस चाबी पर एक बटन दबाइए और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। प्राइसिंग इस वेरिएंट के लिए 10 से 15,000 रुपये बढ़ गई है, विच अगेन इज एक्सेप्टेबल। HTX की बात करें तो सबसे बड़ा चेंज ये है कि इसमें अब आपको सनरूफ मिलने वाला है। पहले ये फीचर HTX प्लस वेरिएंट से मिलता था, अब एक वेरिएंट नीचे से मिल रहा है। वॉइस कमांड फीचर में भी एक छोटा सा अपडेट है, अब आप सेल्टोस से हेलो किया कहकर बात कर सकते हैं। स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी भी आपको HTX और HTX प्लस वेरिएंट में मिल जाएगी। बाकी चेंजेस HTX और HTX प्लस में कुछ खास नहीं है। स्कफ प्लेट्स अब मेटल फिनिश में मिलेंगे और AC पैनल पर एक ब्रश्ड सिल्वर फिनिश दिया गया है। दैट्स इट। सनरूफ की वजह से HTX की प्राइसिंग 25 से 30,000 रुपये बढ़ गई है और HTX प्लस की कीमत अब 15,000 रुपये ज़्यादा है। अब क्योंकि GTK वेरिएंट डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, GT लाइन शुरू होती है डायरेक्टली GTX वेरिएंट के साथ। GTX वेरिएंट में भी अब सनरूफ अवेलेबल है, जिसके वजह से प्राइसिंग 25,000 रुपये से बढ़ गई है। फाइनली अगर टॉप मॉडल की बात करूँ तो यहाँ दो मेजर चेंजेस है। फुल ब्लैक इंटीरियर जो पहले सिर्फ GTX वेरिएंट में अवेलेबल था, अब GTX प्लस में भी मिलेगा, और ड्यूल टोन पेंट स्कीम अब आप फुल्ली लोडेड वेरिएंट में चूज कर पाएंगे। मैनुअल वेरिएंट के लिए आपको एक्स्ट्रा 10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की प्राइसिंग में कोई इजाफा नहीं हुआ है। किया सेल्टोस 2020 ड्रास्टिकली डिफरेंट तो नहीं है, हाँ थोड़ी ज़्यादा वैल्यू ज़रूर डिलीवर कर रही है। और अगर आप सेल्टोस लेने का मन बना रहे हैं, आपको आपकी पुरानी गाड़ी बेचनी है, तो विजिट द कार देखो गाड़ी स्टोर वे यू कैन सेल योर ओल्ड कार इन जस्ट वन विजिट। अब क्रेटा के रीलॉन्च के बाद एक सवाल ये उठता है कि सेल्टोस अपनी नंबर वन पोजिशन बरकरार रख पाएगी या नहीं। आपको क्या लगता है बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।